ਗੱਲ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਉਹ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਬੈਠ गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड ऐप से बड़े हूँ गाइस। तो गाइस अभी का सीन ये कि अभी आज हमारे निकला रहे हैं गेहूँ, क्योंकि देखो आपको दिखाता हूँ मैं सामने पूरा कंप्लीट, यहाँ पे मतलब पहले से ही सारी पूरा एक्सेप्ट लगा दी थी आज ना, और अभी गेहूँ निकला है तो ट्रैक्टर वगैरह आ चुका है। तो अभी आज गेहूं निकलाएंगे तो आज पूरा ब्लॉग गेहूं का ही होएगा। तो गाइस देखते हैं गेहूं किन्हें निकलते हैं, किन्हें बोरी निकलते हैं, किन्हें ट्रॉली निकलते हैं, जो भी रहता है आपके सामने रहेगा। तो चलते हैं गाइस और कराते हैं थोड़ा बहुत काम, क्योंकि थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा सबके। आप गेहूं निकलने वाले हैं गाइस, देखो तो गाइस ट्रैक्टर लगा चुका है भाई अपना, चलते हैं देखते हैं ट्रैक्टर कहाँ पे लगाया बंदे ने। तो गाइस ट्रैक्टर वहाँ लगाया है ताकि चारा वगैरह इधर आए तो दूर हो जाए। तो गाइस देखो अब ये पाल पे लगाएंगे ट्रैक्टर को, यहाँ पर लगेगा ट्रैक्टर मस्त वाला। ये ले भाई ये पूरे गेहूँ में आर पार। तो गाइस गेहूँ निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, ये सारा चारा निकल रहा है इधर और ऊपर से गेहूँ डाले जाएंगे। तो भाई डालेगा गेहूँ वहाँ से और ये तो लग चुका है ट्रैक्टर, देखो गाइस वहां से डालेंगे गेहूं, गेहूं की पूरा वहां डलेगी और इधर नीचे से निकलेंगे गेहूं। तभी मैं चल के दिखाऊंगा आपको कि कहां से गेहूं निकलते हैं, है ना, सारा सिस्टम दिखाता हूं मैं आप आज को देखना। सारा चारा निकल रहा है गाइस, मतलब पूरा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो गाय वेस्ट खाएगी ना वो मटेरियल निकल रहा है ये, और वहाँ से डल रहा है गेहूँ। तो गाइस मैं आपको चल के दिखाता हूँ गेहूँ कहाँ से निकलेंगे। तो गाइस जहाँ से बंदा गेहूँ डाल रहा है यहाँ से डलेंगे सारे गेहूँ। तो गाइस देखो यहाँ से एक के बाद एक पूड़े आ रही है, जैसे यहाँ से आती है और जो अंदर चल रहा है ना चक्कर, इसके अंदर सारे पूड़ियाँ सारे गेहूँ सब पिस जाते हैं, मतलब सब बारीक हो जाते हैं, जो कचरा कचरा उधर निकल जाता है और गेहूँ वो नीचे निकल जाते हैं। तो गाइस देखो यार दिखाता हूँ, देखो भाई अब सोचो गाइस इसके अंदर किसका हाथ आ जाए कुछ आ जाए। तो एक बार मेरा मोबाइल बच चुका है इसके अंदर जाने से, वरना पूरा चूरा चूर हो जाता है गाइस। 70,000 एक बार पानी मिल जाते हैं अभी, है ना, तो इसलिए यहाँ पे आप वीडियोग्राफी वगैरह करो तो ध्यान से करना भाई, और गलती से हाथ वगैरह मत डाल देना इसके अंदर, वरना पूरा आदमी भी अंदर जा सकता है। बहुत सारे बार आपने सुना भी होगा कि कोई आदमी थ्रेसर में आने से मौत हो गई है ना, तो आप कुछ सोच लो ना यार कि देखो इसके अंदर आदमी जाएगा तो बचेगा क्या, सब कुछ पिस जाता है भाई, सब नीचे निकल जाता है, फंस जाता है बिल्कुल, है ना, तो ध्यान रखना। और तो ऐसे यहाँ से पुला डलती रहती है, और अभी बताता हूँ मैं कहाँ से गेहूँ निकलते हैं। तो गाइस यहाँ से देखो यहाँ से जैसे छन छन के आ रहे हैं ना गेहूँ, तो छन छन के यहाँ से आते हैं और ऊपर की तरफ एक वो दे रखा है जिससे गेहूँ निकल के नीचे आता है, इसको आप कट्टे में खटोले में भर सकते हो, चेंज हो जाता है सेट। तो गाइस देखो ये यहाँ से गेहूँ निकल रहे हैं और अभी जा रहे हैं सीधे नीचे। तो गाइस देखो ये है वो छेद जहाँ से गेहूँ निकल के आ रहे हैं, सारा छन के कम्प्लीट हो के आ रहा है ये, और नीचे से बाल्टी लगा दो या कुछ भी लगा दो आपके हिसाब से, फिर से भरता रहेगा ये। तो गाइस फाइनली अभी तो मैं जा रहा हूँ घर पे, मतलब पाल लेने जा रहा हूँ मैं भी बड़ा पाल, क्योंकि वहाँ छोटा पाल तो कम पड़ रहा था, गेहूँ बाहर निकल रहे थे तो इसलिए मैं बड़ा पाल लेने जा रहा हूँ। और चलो अभी खोलते हैं अपनी बहुत महंगी वाला गेट, चलो भाई साहब, चलो भाई
तो चलते हैं गाइस और लेके आते हैं पाल वगैरह और फिर मिलते हैं आपको चल के वहाँ पर ही। मेरे दम बसी मोर से लेकर आई कार, बैठे कार विच मेरे चुनु में जे यार अखड़ो करता अखा दा दिला इते करेगा मुझे आओ फोन वा पूछदा बंद तू की अखड़े लोका ता दियेंगे पिके मोए कुम दे। तो गाइस ये निकल रहा है यहाँ से वेस्ट मटेरियल जिसे चारा बोलते हैं, इसे गाय भैंस गाएगी वो है ये। तो गाइस हर बार की तरह वही अपना आज भी वही सीन हुआ, मोबाइल में बैटरी हो चुकी है 18% और अभी मैं जा रहा हूँ। लेकिन आज आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा और मेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ पावर बैंक लेने के लिए, केबल लेने के लिए। तो गाइस चलते हैं फटाफट से घर पे और लेके आते हैं पावर बैंक और केबल। ਬੈਲ ਪੁਣਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਚਿਰ ਬੱਲੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਖੋਲ ਦਈਏ ਸਿਰ ਬੱਲੀ ਓ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਖੈਡਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖੈਡੇ ਤੈਨੂੰ ਜੈਲ ਭੇਜਣਾ ਓ। गाय देखो अभी रात के 7:21 हो रहे हैं और देखो मतलब पूरे मोहल्ले में रूफी रूफी हो गया, मतलब गेहूं का जो निकल रहा है ना चारा वही वो हो रहा है कैमरे के आगे, वही वो आ रहा हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको। अभी मैं साइड में जाके दिखाता हूँ माहौल, वो खड़ा ट्रैक्टर और अभी निकल ही रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला है आज तो। देखो गाइस चलते हैं गाइस, देखते हैं कितने गेहूँ निकले कितने निकले। इधर रूफी निकल रही है, ये रूफी जा रही है उधर गाइस। तो गाइस फाइनली गेहूं निकल चुके हैं पूरे, है ना, मतलब 10-15 मिनट या फिर 40-50 मिनट में, 1 घंटा और मान लो लास्ट उसमें ना पूरे गेहूं निकल जाएंगे। अगर लाइट जल गई ट्रैक्टर के अंदर, देखो भाई ये है डीजा का माल लग रहा ना ट्रैक्टर, अब जोरदार महिंद्रा का ट्रैक्टर है भाई साहब, देख लो मस्त हो गया। मतलब ये सारे गेहूँ निकल गए, इधर कट्टे कट्टे नीचे भी है, सारे गेहूँ निकल चुके हैं और वहाँ पे भी गेहूँ निकल रहे हैं। देखो ये देखो लाइट दिख रही है ना, वहाँ गेहूँ निकल रहा है, जूम तो नहीं रहा इतना सारा, देख लो भाई। भाई सब जाके खाना वाना खाएंगे, अभी तेनों को रखवाने भी है घर पर, ट्रॉली वगैरह आएगी अभी उसमें रखवाएंगे इन्हों को सारे गेहूँ को, तो उसके बाद खाना वाना खाएंगे क्योंकि पहले गेहूँ का काम जरूरी है, क्योंकि जानवर वगैरह खा जाएंगे ना, इसलिए अभी लास्ट कट्टा चल रहा है, थोड़े बहुत बाकी हैं जो भी निकल जाएंगे। और तो गाइस अभी तक गेहूँ निकल रहे हैं, मतलब इतनी रात हो गई, रात को 9 बजने में आ गए, 4-5 बजे का लगाया था ट्रैक्टर, जब 9 बज गए देख लो आप, अभी तक गेहूँ निकल ही रहे हैं। देखो लाइट वगैरह जल चुकी है मस्त वाली, और गाइस मैं ना आपको ना ट्रैक्टर की ना लाइट दिखाता हूँ पीछे कितनी ज़्यादा लाइट है, देखो सामने चला जा रहा है जो फोकस, देखो ऐसे नीचे कार के अंदर लाइट मज़ा आ जाएगा कार में, है ना। और एक गेहूँ निकल गया बढ़िया वाले कायदे से, और थोड़ी देर होगी बात है बस गाइस, फिर उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम, है ना। तो चलते हैं भाई देखें। तो गाइस फाइनली पूरे गेहूँ निकल चुके हैं और अब ट्रैक्टर जा रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर में स्टार्ट तो है इससे, ये निकल गया ट्रैक्टर तो भाई अभी ट्रॉली लेके आएगा क्योंकि घर का ट्रैक्टर है ना, तो घर का ये फ़ायदा है, आगे जा रहा है ट्रॉली लेना, अभी ट्रॉली आएगी फिर उसको रख के लेके जाएंगे घर पे, अब वहाँ से निकलेगा ये कायदे का संता कुछ जो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट ही आ रही है एकदम से, ट्रैक्टर की लाइट बहुत जोरदार है यार। ਉਦੋਂ
तो गाइस अभी फाइनली बिल्कुल सही सलामत तरीके से सही तरीके से एकदम गेहूं तो निकल चुके हैं और आगे कुछ दिख नहीं रहा यार क्योंकि आगे रोड है। मैंने लाइट जला के प्लेस तो अभी मैं सोच ली और एक छाछ लेके जा रहा हूँ क्योंकि अब भाई भूख लगने लगी तो पीऊँगा मैं तो, है ना। और आगे कुछ रोड पर कुछ दिख नहीं रहा यार, बस चप्पल चप्पल दिख रही होगी आपको। तो गाइस चलते हैं, अभी कट्टे वट्टे बांधेंगे फिर उसके बाद ट्रोलियम डालेंगे फिर चलेंगे घर पर। चलो भाई छाछ पियेंगे भाई। तो गाइस अब जब तक ट्रैक्टर नहीं आ जाता ट्रोली लेके जब तक सारा काम करना है, ये सारे कट्टों के मुंह बांधने हैं, सबके टांके लगाने हैं ताकि कैक आराम से डाल देंगे और इधर भी गेहूँ पड़े हुए हैं तीनों को भी कट्टे के अंदर भरने हैं। तो काफ़ी सारा काम है अभी, तो मतलब आज की रात तो पूरी लगने वाली है, आधी रात तो ना। तो अभी यहाँ पे कट्टों का लग रहे हैं टांके वगैरह, मुँह बंद किया जा रहा है इन्हों का ताकि भड़बड़ नहीं करे ज़्यादा, और जो इनमें कम ज़्यादा उनका नाप चुप किया जा रही है आराम से। फिर अभी ट्रैक्टर वगैरह जाएंगे घर पर, फिर ट्रोली के साथ आएंगे एक बार, है ना। तो देखो लगभग लगभग सारे कट्टे भरे हुए हैं और भैया भूख उक लग रही है यार। तो गाइस अब फाइनली रात के टाइम हो रहा है 9:40 और अभी हम दूसरा ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं ट्रोली के साथ। मैं अपने ट्रोली में बैठा हुआ हूँ और आगे ट्रैक्टर जा रहा है मस्त। तो अभी जा रहे हैं हम इसके अंदर कट्टे ट्रक के लेके आएंगे अब, है ना। तो चलते हैं भाई और मिलते हैं फिर अपन खेत पर चल के। मेरे दम बत्ती बोर से लेकाई कार बैठे कार विच मेरे जोन में जे यार रो करता अखा दा दिला युद्ध करे जब जे आओ फोड़ वा कुछ दा मुद टूकी अंगड़े लोका दा दिये में पिंगे बोले कुमते मिंटो मिंट पाट ना तू हस बली केड़ा करता है तंग मैनू दस बली साडे पैंटर च आउंदी ना प्लस बली करता है तंग केड़ा दस बली तो गाइस फाइनली सारे कट्टे डाल लिए हैं ट्रोली के अंदर और देखो आप सामने का व्यू मस्त वाला। और अभी घर जाके उनको उतारना है फिर खाना वाना खाएंगे फिर अपन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब सारा काम निपट जाएगा खेत का, तो है ना। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली सब कट्टे वट्टे सब रख के फ्री हो चुके हैं, सारे गेहूं कट्टे घर पे रख दें हैं। अब फटाफट से खाना वाना खाएंगे, इसको भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और आप देख सकते हो पसीने के सब बैंक पसीना आ रहा है, थोड़े पसीना सुखाएंगे फिर उसके बाद छाछ वाछ पीऊँगा डबल से क्योंकि भूख लग रही है बहुत भयंकर वाली। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, एंड आए आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय गाइस।